हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क 115 लॉन्ग एंड 85 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। भाई पहले समझना पड़ेगा, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क है भाई। इसकी लंबाई कितनी? 115 मीटर। और जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई है हमारी कितना है? 85 मीटर है। इसके बाहर फेंसिंग करनी, फेंसिंग मतलब तार लगानी है भाई चारों तरफ। तो इसके बाहर जब मैं फेंसिंग करूँगा तो कितना हमें कितना तार, कितनी कॉस्ट आएगी? जबकि एक मीटर अगर बाय दो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीटर है, यहाँ से लेके तो कितनी आ रही? 25 मीटर आ रही, 25 रुपीज़ आ रहा है। एक मीटर की कॉस्ट है कितनी है? 25। पर टोटल कितना पैसा लगेगा मुझे? इसके लिए पहले इसके नाप तो होना चाहिए, इसके चारों तरफ जो तार लगेंगे उसका पता होना चाहिए, तार कितना लंबा लगेगा। और तार कितना लंबा, उसके लिए हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भाई, पैरामीटर का मतलब कि इनके चारों साइड का सम। ठीक है, पैरामीटर हमारा क्या होता? टू लेंथ प्लस ब्रेथ है। ये क्यों आता है? देखो इसमें लेंथ दो होती, 115 ये है तो 115 ये भी होगा, 85 ये है तो 85 ये भी होगी। मतलब लेंथ लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या होता है? टू एल प्लस बी। टू क्यों? टू लेंथ है और टू ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ है, ये फिर लेंथ है तो एल, ये फिर ब्रेथ है तो बी। तो लेंथ कितनी है? टू है तो टू एल हो जाता, और टू ब्रेथ है तो टू बी। तो टू बाहर ले ले तो एल प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब हमारा लगा लो टू एल हमारी कितनी है? 115 मीटर, और प्लस ब्रेथ कितनी? 85 मीटर। मैं ऐड कर दो, 155 फाइव कितना होता? 10 हो जाएगा, 819 एक 10। ठीक है, एक ही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10। देखो 855 10 हो जाएगा, 819 एक कैसे 10, और ये 1 है तो ये कितना? 2 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 400 मीटर। तो टोटल इसकी लंबाई जो कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है, इसके बाहर जितनी तार लगेगी, कितनी मीटर लंबी तार लगेगी, फेंसिंग जो लगेगी कितनी लगेगी? 400 मीटर हमें क्या चाहिए? फेंसिंग चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कॉस्ट, अब एक मीटर, एक मीटर अगर इतना है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज़ पर मीटर है। तो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब कॉस्ट जो निकलेगी क्या आएगी? कॉस्ट बराबर क्या होता है भाई? कॉस्ट बराबर होता है एरिया, या यहाँ पैरामीटर निकाला गया तो पैरामीटर इंटू रेट। ठीक है, पैरामीटर इंटू रेट। तो पैरामीटर कितना है? 400 है मीटर, और रेट कितना है हमारा? 25 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर मतलब नीचे नीचे, तो मीटर से मीटर कट गए। अब 25 फोर जै कितना होता? 100 होता भाई। 24 फोर जै कितना होता? 100 होता। ठीक है, और ये दो जीरो है तो ये दो जीरो, तो कितना कॉस्ट आएगी? 10,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप देखोगे 400 इंटू 25, ठीक है, तो 25 फोर जा 100 होता, और ये दो जीरो बढ़ रहे तो दो जीरो, 10,000 हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो ये ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।